हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। कल हमने जीएसटी की बेसिक नॉलेज के बारे में आप लोगों को बताया था, और उसी सीरीज में आज हम दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे जीएसटी रेट के बारे में कि कौन कौन से आइटम के ऊपर जीएसटी की कौन कौन सी रेट है वो इम्प्लीमेंट होती है। मैं आपको एक बार बेसिक जो बातें हैं कि जो आइटम कौन कौन से आइटम के ऊपर कौन कौन से जीएसटी की रेट है वो इम्प्लीमेंट होती है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आप देखिए, आज रेट वाइज आइटम इन जीएसटी, ठीक है सर। अब आपको देखते हैं, जीएसटी के अंदर सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है सर 3% की। कितने परसेंट की है? 3% की। 3% के अंदर एक आता है आपका सिल्वर, SILVER सिल्वर, और एक आपका है गोल्ड। तो कहने का मतलब ये है कि सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों के ऊपर जो जीएसटी रेट है वो कितनी परसेंट है? 3%। जब भी आप गुड्स सिल्वर और गोल्ड को परचेज करोगे या सेल करोगे तो उसके ऊपर जीएसटी की रेट है वो कितने लगेगी? 3%। उसके बाद जीएसटी की रेट आती है सर कितनी? 5%। तो 5% के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसी कैटेगरी, कौन से ऐसे आइटम है जिनके ऊपर जीएसटी की रेट है वो सर कितनी है? 5%। 5% के अंदर एक आंसर आपका आता है क्या? SARW साड़ी। जो भी साड़ी है, जितना भी जो सामान है, उन सब के ऊपर कितना है? 5%। इसके अलावा READY रेडीमेड, रेडीमेड जो भी है क्लोथ, CLOTH, तो जो भी कपड़ा व्यापार है उसके ऊपर जीएसटी की रेट कितनी है? 5%। हम ये कह सकते हैं उन लोगों से कि जो भी कपड़ा व्यापार है, क्लोथ है, साड़ी है, उनसे भी जीएसटी रेट है 5%। उसके बाद जीएसटी रेट आती है कितनी? 12%। तो सर, आप जो मोबाइल चलाते हैं, आपका जो मोबाइल है उसके ऊपर जो है वो जीएसटी रेट कितनी है? 12%। उसके अलावा जो ग्लास आता है, जो ग्लास आता है कांच का, उसके ऊपर भी जीएसटी रेट कितनी है सर? 12%। उसके अलावा जो आपकी पानी भरने वाली टंकी है, वाटर टैंक जिसको हम बोलते हैं, पानी वाली जो टंकी आती है प्लास्टिक की, उसके ऊपर भी जीएसटी रेट कितनी है सर? 12%। और इसके अलावा जो आपका है FAN यानी जो पंखे, उसके ऊपर भी जीएसटी रेट कितनी है? 12%। तो ऑल ओवर रूप से मोटा मोटी रूप में ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक आइटम है, बिजली का जो सामान है, उसके ऊपर मोटा मोटी जो जीएसटी रेट है वो कितनी है सर? 12%। तो 3% की कैटेगरी हो गई, 5% की हो गई और 12% की हो गई। अब हम बात करते हैं 18% जीएसटी रेट की। 18% के अंदर एक तो आपका आता है सर क्या? HANDI, हैंडीक्राफ्ट। क्या आप समझते हो ना, जो भी लकड़ी का काम है उसे क्या बोला जाता है? हैंडीक्राफ्ट। और उसके ऊपर जीएसटी रेट कितनी है? 18%। उसके अलावा एक है TIMBER, टिम्बर यानी लकड़ी, लकड़ी के ऊपर भी जीएसटी रेट कितनी है सर? 18%। तो हैंडीक्राफ्ट हो गया, टिम्बर हो गया। इसके अलावा एक आपका होता है PAINT, पेंट, जो हम घर में कलर करते हैं, पेंट जो है उसके ऊपर भी जीएसटी रेट कितनी है सर? 18%। और पेंट के अलावा एक होता है सर आपका वाल पुट्टी, वाल पुट्टी, इस वाल पुट्टी के ऊपर भी जीएसटी की जो रेट है वो कितनी है सर? 18%। तो आपको देखना है 18% में कौन कौन से शामिल है, हैंडीक्राफ्ट हो गया, टिम्बर हो गया, पेंट हो गया और वाल पुट्टी हो गया। उसके बाद जीएसटी रेट है वो है सर कितनी? 28%। तो 3, 5, 12, 18, 28। 28 के अंदर क्या है सर? CEMENT सीमेंट। मोटा मोटी रूप से और 28% के अंदर क्या आता है सर? सीमेंट। और सीमेंट के अलावा जो है वो क्या आता है इसमें? LUXORY, लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स का मतलब ऐसा गुड्स जिसको हर व्यक्ति यूज नहीं कर सकता, जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच व्यक्ति होते हैं वो उनका यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लग्जरी गुड्स। और इसके ऊपर जीएसटी रेट कितनी है सर? 28%। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको बताया है कि जीएसटी के अंदर कौन से आइटम के ऊपर कौन सी कैटेगरी में कितना परसेंट जीएसटी लगता है। 3% में सिल्वर है, गोल्ड है, 5% में साड़ी और रेडीमेड जो कपड़ा व्यापार जो भी है वो 5 में,
बारह के अंदर मोबाइल, ग्लास, वाटर टैंक, फैन, ये बारह के अंदर हैंडीक्राफ्ट हो गया, टिम्बर लकड़ी हो गई, टेंट हो गया, वाल पुट्टी हो गई, ये सारा अठारह के अंदर, अट्ठाईस के अंदर सीमेंट और लग्जरी गुड्स, ये आपके जो है वो हर आइटम के ऊपर आपको मैंने क्या बताया जीएसटी की रेट बताई है। ठीक है सर, अब जीएसटी के अंदर एक आता है क्या नील रेटेड और एग्जम्प्टेड गुड्स, नील रेटेड और एग्जम्प्टेड गुड्स, नील रेटेड और एग्जम्प्टेड गुड्स का मतलब ये है सर, ऐसे आइटम ऐसी वस्तुएं जिनके ऊपर किसी प्रकार के वो जीएसटी का कर है वो लायबल नहीं होता है, ऐसी वस्तुएं जिनके ऊपर किसी प्रकार की कोई जीएसटी गवर्नमेंट के द्वारा लगाई नहीं गई है, गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट नहीं की गई है, ऐसा जो गुड्स होता है उसको बोलते हैं नील रेटेड और एग्जम्प्टेड गुड्स। एग्जम्प्टेड का मतलब क्या होता है, फ्री, जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई जीएसटी नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से आइटम है जो नील रेटेड और एग्जम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। नील रेटेड और एग्जम्प्टेड में एक आपका आता है MILK मिल्क, मिल्क आपको पता है दूध, तो दूध जो है सर ये कौन सी कैटेगरी में आता है नील रेटेड और एग्जम्प्टेड के अंदर। उसके बाद एक आपका आता है WATER, वाटर, वाटर यानी पानी, ठीक है, तो वाटर पानी का जो क्या आता है केन आता है ना हमारे केन, वो क्या है फ्री है, उसके ऊपर कोई प्रकार की जीएसटी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बिस्लरी का जो पानी आता है बोतल के अंदर बंद किया हुआ उसके ऊपर जीएसटी रेट कितनी है 5%। और इसी प्रकार से दूध के मामले में भी है, जो दूध थैलियों में पैकिंग होकर आता है जैसे सरस वाला दूध आता है उसके ऊपर भी जीएसटी है 5%, लेकिन नॉर्मली जो मिल्क और वाटर है उसके ऊपर कोई प्रकार की जीएसटी नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन से, इसके अलावा आपका हम बोल सकते हैं जो बाजरा है, ठीक है सर, बाजरा हो गया आपका, जो जैसे क्या बोलते हैं इसको धान, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, तो इनके ऊपर भी कोई प्रकार की जीएसटी नहीं है, ये भी किस कैटेगरी में आते हैं नील रेटेड और एग्जम्प्टेड। और इसके अलावा एक आप लोगों को पता होगा खर, जो गाय और भैंसों को खिलाई जाती है जो खर होती है वो भी नील रेटेड और एग्जम्प्टेड कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मिल्क है, दूध है, जो वाटर है और जो बाजरा है, धान है, गेहूं है, खर है, ये जो सभी आइटम है उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई चीज नहीं लगती है, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं नील रेटेड और एग्जम्प्टेड के। ठीक है सर, अब मैं आपको बताता हूँ अगली कैटेगरी, अगली कैटेगरी कौन सी सर, एक कैटेगरी होती है नॉन जीएसटी गुड्स, जो मैंने आपको पहले बताया थी वो कौन सी थी नील रेटेड और एग्जम्प्टेड। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ नॉन जीएसटी गुड्स का मतलब ये है सर कि ऐसे आइटम जिसके ऊपर किसी प्रकार की अभी तक जीएसटी लगी ही नहीं है, तो इसका मतलब कुछ आइटम ऐसे जिनके ऊपर पहले वाला कौन सा रेट है ना वो ही लग रहा है अभी तक, इनके ऊपर जीएसटी जो है वो अभी लगा ही नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ आइटम के ऊपर जीएसटी भी लगाया नहीं है, उनके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है वैट, उनको बोलते हैं नॉन जीएसटी गुड्स। और नॉन जीएसटी गुड्स के अंदर कौन कौन सी चीज है सर, एक तो हमारा है पेट्रोल PETROL पेट्रोल, एक सर हमारा है डीजल DISEL डीजल, और तीसरा हमारा कौन सा है सर ALCFO एल्कोहल यानी कि दारू, तो पेट्रोल डीजल और दारू इन तीनों चीजों को गवर्नमेंट ने जीएसटी से क्या रखा है बाहर रखा है सर, आउटसाइड ऑफ द रेंज ऑफ जीएसटी, और इनको फिर क्या लगता है वेट। तो ये जो आइटम है ये कौन सी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होते हैं, नॉन जीएसटी गुड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो एक होता है टैक्सेबल, एक होता है नील रेटेड एग्जम्प्टेड, और एक होता है आपका नॉन जीएसटी गुड्स। तो नॉन जीएसटी में पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, और क्या आ गया एल्कोहल आ गया। ठीक है सर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो होते हैं टैक्सेबल आइटम, कौन से टैक्सेबल आइटम का मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके ऊपर जीएसटी लगती है। उसके बाद दो नंबर में क्या था, नील रेटेड और एग्जम्प्टेड गुड्स। एग्जम्प्टेड का मतलब क्या होता है सर, फ्री,
एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है फ्री, ऐसे आइटम्स जिनके ऊपर कोई प्रकार की जीएसटी नहीं लगती। और तीसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है सर नॉन जीएसटी। कौन सी? नॉन जीएसटी गुड्स, यानी कि ऐसे आइटम्स जिनके ऊपर अभी तक इंडिया की सरकार ने, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी का इंप्लीमेंट नहीं किया है, और जीएसटी के स्थान पर इन वस्तुओं पर क्या लगता है साहब? वेट। ठीक है सर, धन्यवाद।